नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मैनपुरी जिला ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जिसमें औसा का खासा महत्व है। बचपन में हमने किस्से कहानियों में पुनर्जन्म की बातें खूब सुनी थी, लेकिन आज ऐसा ही मामला देखने को मिला। गांव नगला सलेही निवासी प्रमोद कुमार जी के घर एक 8 वर्षीय बालक पहुंचा और पिता कह के उनको पुकारा। पत्नी को माँ कहा, पर अपनी बहन को भी उसने पहचान लिया। कुछ पल के लिए ये परिवार स्तब्ध हो गया। कारण यह था कि 2013 में इनका इकलौता चिराग जो कि नहर में नहाने के लिए गया था और उसकी डूबने के कारण मौत हो गई। वह सभी दृश्य एक पल में तारों ताजा हो गए और आंखों से आंसू छलकने लगे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये वही मेरा बेटा है या सिर्फ आंखों का धोखा है। ये परिवार तब से टूट गया था और बमुश्किल गम से बाहर निकला था और अपनी इकलौती बेटी के सहारे जीवन व्यतीत कर रहा था। दरअसल समझ लीजिए पूरा माजरा है क्या मैनपुरी जनपद में थाना औसा क्षेत्र का। गांव अमर सिंह निवासी राम नरेश, जिनके यहां 2013 में एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम रखा गया कर्मवीर। जब 4 साल का हुआ तो कुछ बोलना प्रारंभ किया टूटी फूटी जुबान से। जब बच्चे इनको परेशान करते थे तो नहर में डूबने की बात या करने लगा। माँ बाप घबरा जाते और इनको नहर की तरह भागने नहीं देते। कर्मवीर को शिक्षा के लिए गांव में ही माध्यमिक विद्यालय है, उसमें दाखिला करा दिया गया और तब इनकी उम्र 8 वर्ष की हो चुकी थी। 2 दिन पहले बालक के पिता नाई की दुकान पर कटिंग करा रहे थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो कटिंग कर रहे व्यक्ति ने बताया कि मेरे बेटे की मौत 2013 में हुई थी, जब वह नहर में नहाने के लिए गया था और उसी में डूब गया। इस बात को लेकर सुनकर राम नरेश स्तब्ध हो गए। घर आकर ये जानकारी राम नरेश ने परिवारी जनों को दी। दूसरे दिन परिवार की सहमति से राम नरेश अपने बच्चे को लेकर पहुंचे गांव सलेही, जहां पर प्रमोद व उनकी पत्नी बेटी को एक पल में ही बालक ने पहचान लिया और माँ और पिता और बहन करके पुकारा। बच्चे को सभी ने गले से लगा लिया और रोने लगे। एक पल में 8 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। गांव में ही बालक जब गली से गुजर रहा था तो सबसे पहले उसने अपने गुरु को पहचाना और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चंद्रवीर, आप नगरिया सलेही में कनम जब पढ़ते थे तो आपको कौन पढ़ाता था? सुभाष मास्टर। सुभाष मास्टर क्या पढ़ाते थे आपको? गणित और हिंदी। अच्छा, आपने उनको पहचान लिया? हाँ। कैसे पहचान लिया? वो गली में से लेकर के जा रहे थे तो मैंने पहचान लिया। अच्छा, आपने पहचान लिया। पहले कभी नहीं मिले थे उन्हें? अभी इस जन्म में? हाँ। इस जन्म में मुलाकात हुई थी आपकी? आज हुई। आज हुई आपकी मुलाकात? आज ही गाओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? चंद्रेश। चंद्रवीर। अच्छा चंद्रवीर, ये बताओ ये ग्राम नगला सलेही है, वहाँ कौन रहते हैं? हाँ, नगरिया। नगरिया जिसे कहते हैं। आपके पापा रहते हैं? क्या नाम है पापा का आपके? पौधे पौधे कहते हैं। और मम्मी का नाम? अच्छा, मम्मी का नाम बताओ। मम्मी का नाम ऊषा है। मम्मी का नाम ऊषा है। आज जब आप वहाँ गांव में गए थे तो मम्मी पापा को आपने पहचान लिया? हाँ। फिर मम्मी पापा ने क्या कहा का नाम? अच्छा अच्छा, आपकी मौत कैसे हो गई थी? अच्छा, नहर में डूब गए थे आप? 17-18 साल। क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश जी, ये जो बालक है आपका पुत्र, इसका नाम क्या है? चंद्रवीर। चंद्रवीर। चंद्रवीर के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि इसका पुनर्जन्म हुआ है, क्या सत्यता है? सत्यता तो ये है ना, ये बताता है मैं पहले नगलिया में मतलब जन्म लिया था। अच्छा अच्छा, जानगलिया। फिर? और वो प्रमोद थे, उनका लड़का था पहले। तो फिर ये वहाँ क्या कहता था पहले?
पहले तो उनसे पिताजी कहेगा। अच्छा माँ का तो उन्हें कब से याद करता जी? जे मतलब 4 साल से बोल करो तो कहेंगे। आज आज गया ये वहाँ पे आज ऐसा कल में कटिंग कराए हुए गए। अच्छा ठोका पे वही बड़रा पे। अच्छा तो उनने कही कि देखो ऐसे ऐसे माल लड़का खत्म होएगा वो। अच्छा अच्छा तो हमने कही क्या लड़ेगा तो हमने हमारे यहाँ जन्म ले चुके। अच्छा अच्छा तुम्हें कैसे पता है? अच्छा। तो तुमने क्या ना बताई हमें? अच्छा अच्छा हमने यानी बताई ना यार मेरे तो एक और लड़का है बड़ो भाऊ यादगारी है। अच्छा अच्छा तो हमें जा भैया सामने पे माता पीट तरह ना सारे में चुप पे जाओ तुम। अच्छा अच्छा तुम सबनों को तुम्हें याद है तो हमने यहाँ भाग क्या करें तुम मरा जाए कि भाई भाग जा फिर जा क्यों रह रहे हो हमारे पास? वो कह रहा मैं मेहतरा के लड़का है। अच्छा वो कह रहा मैं नाई के लड़का है। तो बताओ मैं तो कोई है ही ना फिर हम क्या करेंगे मानी तुम जाओ फिर भागो यहाँ से। इसलिए आपने नहीं का नाम जाने दिया। हाँ और फिर जब जाए बच्चा सताते गाँव के जैसे पड़ोस नगे नगे तो जाए मार पीट कर दी नहीं तो गाल पे था झापड़ मार दो तो जब आ जाते नहरे मोए को तो जा रहा अपने घर को तो जब पकड़ पकड़ के लेके आते घर फिर और छोटो बच्चा बाई चांस निकल जाए घर में से फिर ढूंढने होगा। क्या क्या नाम है आपका? आपका जो बेटा जैसे पहले की जन्म की याददाश्त थी तो आपने इसको वहाँ जाने क्यों नहीं दिया? भैया मैं तो डर लगा था मैंने तो धमकाया कि हमने भी कह दिया तो सही बताया तुमने। अच्छा अच्छा अब नेहरे की क्या तुम नेहरे में गिर जाएंगे तो फायदा का बात चीज़ है। अच्छा 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 तो वैसे ना जान दो मैं तो अब आप क्या करना चाह रही हैं? अब जे मतलब इनको रिश्ता जरूर आएंगे जाएंगे आप आते जाते रहे और घर और मान के चलिए उनकी माँ ने पहली वाली माँ ने कहा कि हमें लड़का हमें अपना बच्चा चाहिए ये तब क्या करेंगी? तो आते जाते रहे बच्चा दे देंगी नहीं बच्चा नहीं देंगे अच्छा अच्छा क्या नाम है आपका? प्रमोद। अच्छा प्रमोद जी आज एक बच्चा आया था वो कह रहा था कि वो आपका बेटा है पुनर्जन्म हुआ है उसका तो क्या घटना हो गई थी जिससे आपका बेटा खत्म हो गया था? वो गणेश चुकाने गया तो नहर में मतलब वो डूब गया। कितने साल पहले? करीब 9 साल पहले। अच्छा अच्छा आज जो लड़का आया था उसने आपको पहचाना? जी। और किन किन को पहचाना? मतलब हमारे वो लला है भाई पहचानो। अच्छा और जो माँ साहब सुभाष रहते हैं इनको पहचानो मम्मी को पहचानो या बेटिया पहचानो। अच्छा 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 तो अब आपको कैसा लग रहा है? हमको कैसा लग रहा है जैसे दूसरे की अमानत तो दूसरे की होती है। नहीं फिर भी आपको जैसे खुशी हो रही है जैसे? बुरा तो मालूम महसूस होता ही है थोड़ा। अच्छा भावनाएं जाग रही हैं थोड़ा सा बुरा लग रहा है लेकिन खुश भी हैं आपके चेहरे पे खुशी झलक रही है कि आपका बेटा आज आया का नाम जैसे तो मुझे जो देखने में लग रहा है आप खुश हैं थोड़े थोड़ा खुशी तो होगी कोई चीज खोई नहीं मिल जाए तो। आपको जब आपका बेटा मिला तो आप जैसे उसने बताया तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा सा भावनाएं का नाम जागृत हुई पिछली बार पिछली याद याद तेज बढ़िया खुशी भाई पिछली बात याद करके दुख पैदा पिछली बात याद कर। बेटा आपको कैसा लगा भाई आया आज का नाम आपका बताना अच्छा लगा?